बहुत जेन्युइनली ये चीज होती है लोगों सबके साथ कि पढ़ते पढ़ते ना सैचुरेशन आ जाता है, बहुत मोनोटोनस सा शेड्यूल हो जाता है और एक ही जैसी लाइफ हो गई है, ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। yes. तुमने ये मल्टीपल स्टेट दिए, छत्तीसगढ़ दिया, राजस्थान दिया, मध्य प्रदेश दिया, तो तुम्हें वहां हेल्प लगी इस चीज की कि हर तरीके क्वेश्चन टैकल हो जा रहे हैं या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का वहाँ रोल समझ में आया मेंस में इंटरव्यू में? बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे छत्तीसगढ़ होता है वहाँ पे मेंस में सिर्फ जजमेंट आती है, तो जजमेंट आप तभी लिख पाओगे जब आपको वो चीज पता है आईपीसी में कहाँ पे कोई सा सेक्शन लगाना है, उसके एसेंशियल्स क्या है वो आपको पता होने चाहिए। जो पैनल होता है, इंटरव्यू बोर्ड होता है, उसकी एक्चुअली एक्सपेक्टेशन आपसे होती क्या है? तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करनी है या फिर मेंस ओरिएंटेड है, या दोनों की कलेक्टिव तैयारी साथ में होती है? व्हाट वाज योर अप्रोच, व्हाट्स योर ओपिनियन? दोनों स्टेजेस को डील करना होता है। जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम इसे स्ट्रेटजी से नहीं पढ़ सकते कि हमें सिर्फ प्री क्रैक करना है। रिजल्ट आने के बाद से पर्सनल लाइफ में क्या क्या बदलाव आए? के बाद पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस हुए हैं कि जो नहीं जानते थे, जो मुझे मतलब मैसेज कभी किया नहीं होगा आज गुप्ता के आगे भी जज लग गया, तो उसने वो सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग अब जज साहिबा बोलते हैं, तो लाइक थोड़ा सा अच्छा फील होता है वो।